सर इम्पोर्टेंट चैनल पर आप सबका स्वागत है। आज मैं बेसिक ग्रामर के अंतर्गत बेसिक इंग्लिश ग्रामर के अंतर्गत चैप्टर लेकर आया हूँ केस ऑफ नाउन और उसका फंक्शन एंड रिलेशन, कि उसका क्या फंक्शन है, एक नाम जो होता है वो केस में किस तरह से काम करता है, उसका क्या क्या रिलेशन है, उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो केस जो होता है वो हमेशा सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के रूप में वर्ब के साथ रिलेशन को बताता है, कि कोई भी नाम जो है ना वो वर्ब ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट के रूप में किस तरह से रिलेशन में है उस रिलेशन को बताने का काम करता है। ये फोर टाइप्स होता है, देयर आर फोर टाइप्स ऑफ केस। पहला होता है नॉमिनेटिव केस, इसको हम लोग कर्ता कारक भी कहते हैं, कर्ता कारक। जबकि हम लोग हिंदी में पढ़ते हैं तो सात कारक, एक आठ कारक रूप में रूप से पढ़ते हैं, उसमें एक संबोधन होता है। तो यहाँ पे जबकि चार टाइप्स है, पहला है नॉमिनेटिव केस कर्ता कारक, जब नाउन का जो प्रयोग होगा वो सब्जेक्ट और वर्ब के रूप में होने लगे। जब कोई भी नाम का प्रयोग कब हो, मतलब सब्जेक्ट और वर्ब की तरह होने लगे, सब्जेक्ट और वर्ब की तरह होने लगे, तब वो क्या कहलाता है, नॉमिनेटिव केस में कहलाता है, कि वो जो नाम है वो कैसे केस में है, नॉमिनेटिव केस में है। यह हमेशा इट यूजुअली कम्स बिफोर वर्ब, या वर्ब से हमेशा पहले आता है। जैसे अगर एग्जाम्पल इसका हम करें तो आप कर सकते हैं राम ईट्स मैंगो। तो यहाँ राम आम खाता है, तो यहाँ जो है राम जो है वो एज सब्जेक्ट के रूप में काम कर रहा है। अगर हमें नॉमिनेटिव केस पकड़ना हो तो एक और है, अगर हु प्लस वर्ब कीजिए, हु यानी कि अगर कहें कि हु ईट्स मैंगो, आम कौन खाता है, तो हु का जवाब क्या होगा, राम होगा। यानी जब हु का जो आंसर आता है, जो आंसर आएगा वो क्या होगा, नॉमिनेटिव केस होगा। वो क्या होगा, नॉमिनेटिव केस माना जाता है उसको, क्योंकि वो वर्ब के साथ किस रूप में है, एज अ सब्जेक्ट के रूप में वो नाउन काम कर रहा है। दूसरा होता है ऑब्जेक्टिव केस, मतलब इसका होता है कर्म कारक। तो क्या हिंदी में बोलते हैं, कर्म कारक कहते हैं, जब नाम का प्रयोग ऑब्जेक्ट और वर्ब के रूप में होने लगे, यानी कि क्रिया के ऑब्जेक्ट के रूप में काम करने लगे। क्रिया क्या होता है, वर्ब क्या है, एक्शन ऑफ कोई वर्क, काम करने किसी काम को करने या होने का जो बोध करता है वो क्या कहलाता है, वर्ब कहलाता है। तो वर्ब के जो ऑब्जेक्ट के रूप में काम करे उसको क्या कहते हैं, ऑब्जेक्टिव केस कहते हैं। और ऑब्जेक्टिव केस जो होता है आफ्टर वर्ब, यानी वर्ब के हमेशा बाद आता है, वर्ब के यानी कि इसको अगर पहचानना है हमको सेंटेंस में, तो होम प्लस वर्ब करें तो उसका आंसर, जैसे कि अगर हम इसका एग्जांपल अगर करें तो हम लिख सकते हैं राम गेव मी अ पेन, राम गेव मी अ पेन, राम ने मुझे एक कलम दिया। तो यहाँ देखिए ये जो वर्ब के बाद मी है, अ पेन है, ये किस तरह से काम कर रहे हैं, ऑब्जेक्ट की तरह काम कर रहे हैं। तो ये मी और जो पेन जो नाउन है वो कैसा काम करेगा, वो हमेशा ऑब्जेक्ट की तरह काम करेगा, इसीलिए उसको ऑब्जेक्टिव केस कहा जाता है। यहाँ देख रहे हैं दो तरह के वर्ब होते हैं, इसीलिए ऑब्जेक्टिव केस को दो भागों में बांटा जाता है, एक को कहते हैं एक्यूसेटिव केस, दूसरे को कहते हैं डेटिव केस। दूसरे को क्या कहते हैं, डेटिव केस, पहले को एक्यूसेटिव केस। एक्यूसेटिव केस को डायरेक्ट ऑब्जेक्ट भी कहा जाता है, इसमें डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आते हैं, जैसे कि नॉन लिविंग थिंग हो गया, जैसे अगर राम गेव मी अ पेन हो गया, तो जो ये पेन ऑब्जेक्ट आ रहा है ये क्या हो गया, ये हमारा नॉन लिविंग थिंग एक्यूसेटिव केस के अंतर्गत आता है। यह हमेशा प्रीपोजिशन, मतलब अगर ऑब्जेक्ट ऑफ प्रीपोजिशन की तरह काम करता है, ऑब्जेक्ट ऑफ प्रीपोजिशन की तरह भी काम करता है
एक्यूसेटिव केस, यानी कि जो नॉन लिविंग थिंग होगा वो एक्यूसेटिव केस, ऑब्जेक्टिव केस, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट आते हैं। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कौन होते हैं? जो लिविंग थिंग होते हैं, जैसे कि यहाँ मी हो गया, या यही रहता कि राम गेव राहुल अ पेन, तो राहुल क्या हो जाता? राहुल एक डेटिव केस होता है, वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है? जो लिविंग थिंग होता है। और इनडायरेक्ट कौन होता है? जो नॉन लिविंग थिंग, जो नॉन लिविंग थिंग नाउन होगा यानी वस्तु होगा, वो क्या कहलाएगी? वो एक्यूसेटिव केस के अंतर्गत, वो नाउन किसमें आएगा? एक्यूसेटिव केस के अंतर्गत आएगा। उसके अलावा तीसरा जो टाइप हमारा है वो पोसेसिव केस। पोसेसिव का मतलब है, इसको जेनेटिव केस भी कहा जाता है। ये हमेशा पोजीशन बताता है, यानी कि इसको व्हेन अ नाउन डिनोट्स पोजीशन ऑफ ऑनरशिप, जब यह पोजीशन ऑनरशिप या मालिक जिसको कर सको उसका अगर निर्माण करें, या किसी के मालिक हक पता है, जैसे कि अगर यहाँ देखिए राम्स पेन इज रेड, राम का कलम लाल है, तो यहाँ जो पेन का मालिक है वो कौन है? राम है। तो यहाँ हक की बात किया जा रहा है, पोजीशन की बात, पद की बात किया जा रहा है। किसकी बात? पद कह सकते हैं, ऑनरशिप की बात हो रही है। इसलिए यहाँ राम जो है वो किस तरह केस का काम कर रहा है? तो पोसेसिव केस की तरह वर्क कर रहा है। उसके अलावे अगर इसको पता करना है सेंटेंस में कि हम कैसे जाने कि ये पोसेसिव केस में, तो ये हुज प्लस वर्ब भी करके अगर देखते हैं कि हुज पेन इज रेड, किसका कलम लाल है, तो किसका कहेंगे? राम का पेन क्या है? लाल है। तो ये एपोस्ट्रॉफी एस कहलाता है। यही पोसेसिव केस में ही एपोस्ट्रॉफी एस का प्रयोग किया जाता है, और एपोस्ट्रॉफी एस हमेशा लिविंग थिंग के साथ होता है। अगर लिविंग थिंग जितने भी होंगे उसके साथ एपोस्ट्रॉफी एस प्रयोग होता है। अगर नॉन लिविंग थिंग है तो वहाँ इसके जगह ऑफ का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? ऑफ का प्रयोग किया जाता है। परंतु कुछ और है, जैसे अगर जो नामी बुक्स हैं उसके साथ भी एपोस्ट्रॉफी एस का प्रयोग किया जाता है। चौथा जो हमारा है केस का, वो वोकेटिव केस होता है। वोकेटिव केस क्या है? व्हेन अ नाउन अ प्रोनाउन इज यूज्ड टू कॉल टू गेट द अटेंशन ऑफ अ पर्सन, मतलब किसी लोग को अटेंशन करने के लिए, उसको इंगित करने के लिए, उसको बुलाने के लिए जब प्रयोग किया जाता है, तो वो जो नाउन होगा वो किस तरह का होगा? वोकेटिव केस के अंतर्गत आता है। जैसे कोई कहा मोहन कम हेयर, तो यहाँ मोहन मतलब इंडिकेट्स अटेंशन कर रहा है, मोहन कम हेयर, सोहन गो देयर, तो मोहन सोहन जो यहाँ आ रहा है, जैसे यहाँ मोहन कम हेयर, तो मोहन जो हो गया वो क्या हो गया? वोकेटिव केस के अंतर्गत काम करता है। उसके अलावा कुछ दो तरह से केस और काम करते हैं। एक कॉम्प्लीमेंट ऑफ वर्ब के रूप में भी काम करता है, और कॉम्प्लीमेंट में हम फ्रेज भी कह सकते हैं। और फ्रेज क्या होता है? फ्रेज जो होता है, याद रखिएगा, फ्रेज ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स जिसमें ना तो सब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट नो सब्जेक्ट नो वर्ब, यानी कि वैसा ग्रुप ऑफ वर्ड जिसका कोई सब्जेक्ट कोई वर्ब ना हो और उसका एक खास मीनिंग होता हो, वो क्या कहलाता है? फ्रेज कहलाता है। तो केस कभी कभी कॉम्प्लीमेंट ऑफ वर्ब के रूप में भी काम करता है। जैसे यहाँ है सम वर्ब डू नॉट कंप्लीट द मीनिंग, दीज आर कॉल्ड लिंकिंग वर्ब। कुछ ऐसे भी वर्ब है जो सेंटेंस को पूरा नहीं कर पाते हैं, तो डू नॉट कंप्लीट द मीनिंग दीज आर कॉल्ड लिंकिंग वर्ब, तो उसके बाद जो होता है वो लिंकिंग वर्ब कहलाता है। जैसे कि अगर रमेश इज अ क्या, रमेश यहाँ वर्ब तो हो रहा है परंतु ये तो कंप्लीट नहीं, तो इज हो गया, वाज हो गया, एम हो गया, आर हो गया, सब लिंकिंग वर्ब कहलाते हैं। लिंकिंग वर्ब में हम इज एम आर वाज वेयर को कह सकते हैं, वाज वेयर को कहते हैं। इसके बाद वो कंप्लीट नहीं कर रहा, तो उसको कंप्लीट करने के लिए हमने यहाँ डॉक्टर का इस्तेमाल किया, रमेश इज अ डॉक्टर, तो डॉक्टर यहाँ किस तरह का काम कर रहा है? कंप्लीमेंट ऑफ अ वर्ब। तो एक चार टाइप्स के अलग भी है, कभी कभी जो केस होते हैं वो कंप्लीमेंट ऑफ
के रूप में भी काम करते हैं, यानी कि वर्ब से जिससे लिंकिंग वर्ब से अगर सेंटेंस कंप्लीट नहीं हो रहा है तो वो केस आकर वहां पे उसको सेंटेंस को क्या करता है, कंप्लीट करता है। उसके अलावा होता है केस इन अपोजिशन टू अ नाउन, यानी केस जो होता है वो अपोजिशन ऑफ नाउन की तरह भी काम करता है। व्हेन टू नाउन्स आर यूज्ड फॉर अ पर्सन इन अ सेंटेंस, सेकंड नाउन इज कॉल्ड केस इन अपोजिशन ऑफ फर्स्ट नाउन, यानी कि किसी भी सेंटेंस में जब एक ही व्यक्ति के लिए दो नाउन यूज किए जाते हो, किसी भी पर्सन के लिए दो नाउन का इस्तेमाल आ रहा हो, तो पहला जो नाउन होगा, दूसरा जो नाउन होगा वो पहले नाउन का क्या कहलाता है, अपोजिशन ऑफ टू अ नाउन कहलाता है। जैसे कि यहाँ देख सकते हैं, रमेश द डॉक्टर सेव द पेशेंट, तो डॉक्टर जो हो गया ये केस इन अपोजिशन का काम कर रहा है। ये डॉक्टर किसका काम कर रहा है, रमेश के केस इन अपोजिशन का काम कर रहा है। तो केस दो अलग तरीकों से भी काम करता है, एक कंप्लीमेंट ऑफ वर्ब और एक केस इन अपोजिशन टू अ नाउन। तो ये इंग्लिश ग्रामर का बेसिक जो नाउन चैप्टर का ही था हमारा लेक्चर, और हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग को इस टॉपिक अच्छे से समझ में आया होगा। यदि समझ में आया तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, जरूर कीजिए, और अपने आप को टेक केयर रखिए, सुरक्षित रहिए और पढ़ते रहिए, धन्यवाद।